अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा सकें, हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, और वो बाहर निकल के आराम से मूव कर सके। पूरा मास्क चेहरे पे भी लगाओ लड़कियों, और गर्दन पे भी लगाओ। अब इतना चेहरा आपका सही है और आपने जो है ना, मतलब उसके बाद दिल नहीं कर रहा गर्दन को और हाथों को देखने के लिए, ना इसके लिए आपको कहीं जाना पड़ रहा है, ना आपकी कोई कॉस्ट लग रही है, ना आपको कोई लेजर करवाना पड़ रहा है, और आपका चेहरा भी बिल्कुल फ्रेश हो रहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं अरेल गिल, और आप देखें हमारी वेब। आज हम मौजूद हैं डॉक्टर आयशा अब्बास की क्लिनिक में, जो कि एक कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट है। उनसे आज हम बात करेंगे कि जो खवातीन हैं उनके जो मुंह पे, चेहरे पे बाल निकल आते हैं या ठोड़ी पे बाल निकल आते हैं, उनकी क्या वजूहत हैं, वो कैसे रोक सकते हैं और उनको कैसे क्योर किया जाता है। तो बात करते हैं डॉक्टर आयशा से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि क्या वजूहत हैं, क्यों हो जाते हैं? देखें, हार्मोनल इम्बैलेंस और हार्मोनल प्रॉब्लम्स जो हैं वो ख्वातीन में इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि मतलब अफसोस ये होता है कि ये इतनी ज़्यादा इसकी शिद्दत अख्तियार हो चुकी है, और वबा की सूरत में। ठीक है, ये हेरिडिटी में भी रन करता है, जैसे कि नानी से बेटी में आया, बेटी से फिर बेटी में आया। जंक फूड का इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है, और उसकी वजह से वेट गेन बहुत होता है लोगों के अंदर, और उसी की वजह से ये बहुत मसाइल हो। लेकिन अगर वेट के ऊपर कंट्रोल कर लिया जाए तो हार्मोन्स जो इम्बैलेंस होते हैं वो बहुत हद तक नॉर्मलाइज हो जाते हैं, और उस वजह से हम इस चीज़ पे काबू भी पा लेते हैं। मगर वो बाल जो निकल चुके हैं वो आप उनको ख़त्म नहीं कर सकते, पर मजीद जो बाल हैं उनको निकलने में काफ़ी हद तक कमी वाकई हो जाती है। ठीक है, डाइट से जो हार्मोन्स हैं उनको कैसे बैलेंस करेंगे? डाइट जो कि बैलेंस्ड होती है, यानी कि पोर्शन कंट्रोल के साथ आप डाइट को लेते हैं, अपना कार्ब्स को कट डाउन करते हैं और कंट्रोल करते हैं, तो आपका वेट लॉस होता है। जब आपका वेट लॉस होता है तो जो मेल हार्मोन्स होते हैं वो जो बढ़ चुके होते हैं वो भी कम होते हैं, और उसकी वजह से फिर आपके हार्मोन्स नॉर्मलाइज होते हैं और रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। अब जिन खवातीन की काफ़ी सारी हो गई हैं तो वो क्या करें, कोई इस ट्रीटमेंट की तरफ जाएं? ट्रीटमेंट्स की तरफ जाना पड़ता है। अब जो खवातीन घरों में बैठी हुई हैं वो या तो रेजर्स इस्तेमाल कर रही होती हैं, या थ्रेडिंग कर रही होती है, पकिंग कर रही होती हैं, जिनको बहुत ज़्यादा इसकी समझ बूझ हो गई है, वो फिर हमसे लेज़र के बारे में पूछती हैं। लेज़र की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और जिन जिन लोगों ने मशीन्स ख़रीद ली हैं या मशीन्स बाय कर ली हैं, वो फिर इसके मुँह मांगे जो है वो ट्रीटमेंट्स की लेना शुरू कर देता है। मतलब ऑल्दो इसकी बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है, लेकिन पर विजिट 10,000, 15,000, 20,000, 5,000, 8,000 ही काम इंसान के लिए उसका करना बहुत मुश्किल है। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी रेमेडीज मैं ज़रूर अपने पेशेंट्स को बताती हूँ मैं, जो कि आप घर बैठे उनको फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप इस काबिल ज़रूर हो जाएं कि आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा सकें, हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, और वो बाहर निकल के आराम से मूव कर सकें। लड़कियां कुछ ऐसी भी होती हैं जिनकी शादी होने वाली होती है, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम होता है, तो उनके लिए क्या है कि उनको बस मतलब क्विक चाहिए होता है कि भाई ये जल्द से जल्द इसका हो जाए, काम हो जाए, सही हो जाए बिल्कुल, तो वो क्या करेंगी, उनके लिए क्या रेमेडी है? उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है, और क्विक उनको सब कुछ चाहिए होता है। ठीक है, अब अगर रेज़र वगैरह से बाल रिमूव किए जाते हैं तो उसके बाल जो बाल आते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, सबसे क्विकेस्ट तो वही होता है। उनको ये चाहिए होता है कि चेहरे पे ग्लो भी आए और चेहरा फ्रेश भी लगे। लेकिन चीनी हर घर में मौजूद होती है, आपने कुछ भी नहीं करना, 2 टेबल स्पून ऑफ शुगर लेना है, लेमन वाटर के साथ आप उसको बॉयल कर लें, जब बबल्स आने लगें, जो शीरा बन जाता है, आप उसको ठंडा करके उसका पेस्ट आप अपने एक्सेस अनवांटेड फेशियल हेयर के ऊपर लगाइए, आप उसको 15 मिनट्स रहने दीजिए, और उसके बाद आप उसको जब रिमूव करेंगे तो वो सारे बाल रिमूव हो जाएंगे, बिल्कुल बेबी स्मूथ स्किन आपकी हो जाती है। ये कितनी अच्छी इजी टिप है, आप घर में बैठे हुए कर सकते हैं। और 2 to 3 days के बाद आप ये कर सकते हैं कि हल्दी घर के अंदर मौजूद होती है, आपने 1/2 cup milk लेना है, उसके अंदर 1/4 teaspoon आपने हल्दी लेनी है, इसको आप मिक्स करें, और साथ में वैसलीन भी घर पर होती है, इसका पेस्ट आप अप्लाई करें, तो जो थोड़े बहुत दोबारा रीग्रो हो जाते हैं बाल, 2 to 3 days आप इसको अप्लाई कीजिए, तो तब भी आपकी ये प्रॉब्लम बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाती है। ये जो रेमेडी अभी आपने बताई, इस रेमेडी से मुस्तकिल तौर पे ये ख़त्म हो जाएंगे या थोड़ी देर के लिए बस? देखिए, आपको एटलीस्ट 8 weeks ये करना पड़ेगा, 8 weeks आपको करना चाहिए लगातार, और बिल्कुल इसमें कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती, ये चीज़ें घरों के अंदर मौजूद होती हैं, टूथपेस्ट आपके घर में मौजूद होती है, आपने रात के वक्त 1 tablespoon टूथपेस्ट अप्लाई कर लीजिए अपने अनवांटेड फेशियल हेयर के ऊपर, और सुबह के वक्त आप रिमूव कर लें, आपका चेहरा बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। तो ये 3 या 4 चीज़ें आप रेगुलर बेसिस पे करते रहें, ना इसके लिए आपको कहीं जाना पड़ रहा है,
रहे हैं, ना आपकी कोई कॉस्ट लग रही है, ना आपको कोई लेजर करवाना पड़ रहा है और आपका चेहरा भी बिल्कुल फ्रेश हो रहा है। कोई और मजीद टिप आप इसके बारे में बताना चाहती हैं? आप आलूओं को बॉयल कीजिए, पोटैटो जूस, ठीक है, पोटैटो जूस से आपने आलू को बॉयल किया, उसका जो पानी आपके पास निकलता है और वो आपने पानी को बिल्कुल भी नहीं फेंकना, उस पानी से आप अपने चेहरे को अप्लाई कर लीजिए। ना सिर्फ अपने चेहरे पर अप्लाई कीजिए बल्कि अपने हाथों पर, तो जहाँ पर आपके ये नकल्स ब्लैक हो जाते हैं, आपके ये पूरे रिंकल्स यहाँ पे पड़े हुए हैं और ब्लैक हेड्स आपके हो रहे हैं या आपके अंडर आई सर्कल्स ब्लैक हो रहे हैं, आप इसको अप्लाई कर लीजिए। ना सिर्फ आपके फेशियल हेयर जो हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं, आपका चेहरा भी बहुत, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी शामिल है। विटामिन सी वैसे ही एक ब्लीचिंग एजेंट है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त है। सब कुछ आपने कर लिया है, वंस अ वीक आपने ये वाली रेमेडी करनी है। आपने एग वाइट लेना है 2 टेबल स्पून ऑफ ओट सीरियल के अंदर, इसका पेस्ट बना के अपने चेहरे पर गर्दन ज़रूर लीजिए, ठीक है, वरना ये होता है कि लड़कियों की सारी तवज्जो चेहरे पे है, लोग हमारा चेहरा देख, अब इतना चेहरा आपका सही है और आपने जो है ना मतलब उसके बाद दिल नहीं कर रहा गर्दन को और हाथों को देखने के लिए। अरे भाई सब कुछ घर की चीजें हैं, 2 या 5 रुपए का भी इसमें खर्चा नहीं है, चेहरा तुम अपने तवज्जो दे रही हो वही आप गर्दन पे, वो पूरा मास्क चेहरे पे भी लगाओ लड़कियों और गर्दन पे भी लगाओ, और उसके बाद 15 मिनट्स के बाद आप उसको कोल्ड वाटर से वॉश करें, बेहतरीन बेहतरीन है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने इतने यूजफुल टिप्स दी, उम्मीद करते हैं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके जरूर काम आएगी और आप इसको जरूर इस्तेमाल करेंगे और हमें दुआएं देंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन उससे पहले आप हमारी web.com को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।